ओके हेलो स्टूडेंट्स, हाय। आज हम डिस्कस करते हैं एक क्वेश्चन और, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग और ट्रायल बैलेंस। ओके, राजेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड ए बिल्डिंग वैल्यूड एट ₹5 लाख। ये हमारी कुछ एंट्री जर्नल के लिए एंट्री बनाई है मैंने, और इन एंट्रियों को पहले जर्नल में करते हैं। नंबर वन, राजेश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश लगा के और बिल्डिंग लगा के, यानी कि बिजनेस के अंदर दो चीजें आई, कैश आया और बिल्डिंग आया। आए वो डेबिट, जाए वो क्रेडिट, पहले पैसा आया, पैसा आया 1 लाख रुपया कैश आया और बिल्डिंग आई 5 लाख की। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल। कैश और बिल्डिंग आया, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल। यानी कि फर्स्ट एंट्री कैश के डेबिट में डाल दो 1 लाख रुपया और बिल्डिंग के डेबिट में डाल दो 5 लाख रुपया। टोटल अमाउंट विल बी ट्रांसफर इन क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट ₹6 लाख। नाउ सेकंड एंट्री ऑन 3rd Jan, द एंट्री विल बी परचेज्ड गुड्स अमाउंटिंग टू ₹2 लाख, आउट ऑफ विच गुड्स ऑफ ₹1,80,000 वर परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम स्मिथ। That party name is Smith. It means only ₹20,000 will be cash and ₹1,80,000 will be on credit. It means only total purchase will be 2 lakh, and in 2 lakh includes 1,80,000 goods will be purchased on credit basis pe, and 20,000 will be on cash basis. Yani ke 2 लाख रुपए का माल खरीदा, 2 में से 1,80,000 का तो उधार पे है और बचा हुआ कैश में होगा। यानी कि परचेज आया क्या, गया क्या, आया क्या, गया क्या, सामान आया, परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज का सामान आया, और 2 स्मिथ से हमने 1,80,000 का उधार में खरीदा और बचा हुआ हमने कैश में लिया होगा, तो 2 कैश अकाउंट ₹20,000। नेक्स्ट, नाउ थर्ड एंट्री ऑन 5th Jan, सोल्ड गुड्स टू अनिल, अनिल को सामान बेचा, आया क्या, गया क्या, आया क्या, गया क्या, आया कैश तो आया नहीं, अनिल आया, अनिल को पकड़ो सॉरी अनिल अकाउंट डेबिट 2 सेल्स, गया क्या, माल गया, अनिल डेबिट 2 सेल्स, अनिल अकाउंट डेबिट, अनिल डेबिट 2 सेल्स अकाउंट। नाउ थर्ड एंट्री हमारी 9th को एंट्री है, गुड्स रिटर्न्ड बाय अनिल। अनिल ने माल वापस किया, अनिल को हमने पहले माल बेचा था, यानी कि उधार में बेचा था, अनिल को माल बेचा था 44,000 का, और उसने हमें माल वापस कर दिया 4,000 का। माल आपके पास बिका हुआ, बेचा हुआ माल वापस आ गया आपका, यानी कि आपने माल बेचा था और उसने वापस कर दिया, आपका बिका हुआ माल वापस आया है। यानी कि इस एंट्री को रिवर्स कर दो, अनिल टू सेल को रिवर्स कर दो, यानी कि माल बिका हुआ वापस आया है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिल। यानी कि सेल रिटर्न बाय अनिल, आया क्या, बिका हुआ माल वापस आ गया, तो सेल्स रिटर्न आया टू अनिल, अनिल ने दिया है। नेक्स्ट एंट्री विल बी ऑन 11th Jan, गुड्स परचेज फ्रॉम करण, दिस एंट्री ऑल्सो विल बी ऑन क्रेडिट बेसिस, गुड्स परचेज फ्रॉम करण, करण से हमने माल खरीदा, यानी कि उधार में खरीदा, आया क्या, गया क्या, परचेज आया, माल आया, परचेज अकाउंट डेबिट टू करण, परचेज अकाउंट डेबिट टू करण, देन अमाउंट विल बी 63,000 ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड। नाउ नेक्स्ट एंट्री ऑन 15th Jan, ऑल्सो रिलेटेड टू रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू करण, करण को हमने माल वापस कर दिया, हमने सामान खरीदा था करण से 63,000 का, और 3,000 का माल खराब हो गया, खराब निकला, हमने करण को वापस कर दिया, ले जा भाई, पहले हमने खरीदा, परचेज टू करण, करण को वापस कर दिया 3,000 का माल 15 तारीख को, आया क्या, गया क्या, आया करण, टू परचेज रिटर्न, माल वापस कर दो, करण डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री ऑन 22nd Jan, परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने सामान कैश में खरीदा, आया क्या, गया क्या,
हमने परचेज किया, हमने सामान परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट आया क्या 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 आया, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 2000 का हमने कैश में माल खरीदा है। नाउ नेक्स्ट एंट्री ऑल्सो ऑन 22nd जैन, द एंट्री ट्रांजेक्शन विल बी पेड कार्टेज, यानी कि कार्टेज गाड़ी भाड़ा, यानी कि छोटा मोटा खर्चा, कोई लाने ले जाने का सामान, जो गाड़ी होती है छोटी उसका किराया दिया, इसका खर्चा दिया, कार्टेज पेड ₹100। आया क्या गया क्या, आया खर्चा पैसा गया, आना और जाना बस दो ही चीज रखो याद, आपको एंट्री यूं आ जाएंगी मेरे बच्चों, आया क्या कार्टेज खर्चा आया, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आया खर्चा गया कैश, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे किया है आपने, खर्चा पे किया है तो टू कैश, आया क्या खर्चा इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद आपको एक काम करना है, इनका डेबिट का और इधर क्रेडिट का, डेबिट और क्रेडिट का टोटल करना है पेज के आखिरी में, इसका टोटल आ रहा है 9,17,100, आपको ये टोटल करना है, मैंडेटरी है आपको ये टोटल करना, ओके गॉट इट। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमारी लेजर पोस्टिंग स्टार्ट होएगी, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अब बारी आती लेजर पोस्टिंग की। अब हम देखते हैं लेजर पोस्टिंग में, लेजर पोस्टिंग कैसे की जाएगी, एक बार चेक करते हैं हम लोग। फर्स्ट एंट्री है हमारी कैश अकाउंट डेबिट और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश डेबिट बिल्डिंग डेबिट टू कैपिटल, कैश डेबिट बिल्डिंग डेबिट और टू कैपिटल, इसको देखते हैं एक बार। एंट्री है हमारी कैश अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश के डेबिट में और बिल्डिंग के डेबिट में, कैश के डेबिट में और बिल्डिंग के डेबिट में टू कैपिटल, टू कैपिटल डाल दो, कैश में 1,00,000 रुपया और बिल्डिंग में 5,00,000 रुपए, और दूसरी साइड कैपिटल के क्रेडिट साइड में, कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय कैश बाय बिल्डिंग 1,00,000 और 5,00,000 रुपए, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूं मैं, ओके कोई बात नहीं, फिर भी हम प्रैक्टिस चलती रहेगी हमारी, पूरे साल चलती रहेगी, नॉट एन इश्यू। अगली एंट्री परचेज सामान खरीदा हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमित टू कैश, परचेज टू सुमित टू कैश, यानी कि सामान हमने खरीदा, परचेज का डेबिट, परचेज के डेबिट में डाल दो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमित टू कैश, सुमित में डाल दो 1,80,000 और कैश में डाल दो 20,000 रुपए, सुमित में डाल दो 1,80,000 कैश में डाल दो 20,000। और नेक्स्ट एंट्री परचेज के डेबिट में तो डाल दिया आपने, अब सुमित के क्रेडिट में और कैश के क्रेडिट में, सुमित के क्रेडिट में, सुमित का अकाउंट बनाया है सुमित के क्रेडिट में और दूसरा कैश के क्रेडिट में, डाल दो बाय परचेज और इधर भी डाल दो बाय परचेज, कैश में खरीदा है तो 20,000 और क्रेडिट में खरीदा है तो 1,80,000। नेक्स्ट एंट्री, अगली एंट्री है हमारी, हमने सामान बेचा अनिल को उधार में, अनिल डेबिट टू सेल्स, अनिल डेबिट टू सेल्स, अनिल के डेबिट में, अनिल के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट, अनिल के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट 44,000 और सेल्स के क्रेडिट में बाय अनिल 44,000, दोनों एंट्री डाल दी हमने। नेक्स्ट एंट्री 9 तारीख को हमारी सेल्स रिटर्न की है अनिल ने हमें, तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिल, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अनिल, सेल्स रिटर्न के डेबिट में, सेल रिटर्न के डेबिट में टू अनिल 4,000 रुपए, सेल्स रिटर्न के डेबिट में टू अनिल 4,000 रुपए और अनिल के क्रेडिट में बाय सेल्स रिटर्न 4,000। इसके बाद 11 तारीख की एंट्री है हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू करंट, करंट से हमने माल खरीदा है उधार में, परचेज के डेबिट में टू करंट 63,000, परचेज के डेबिट में टू करंट 63,000 और करंट के क्रेडिट में, करंट अकाउंट हमने बनाया, करंट के क्रेडिट में
बाय परचेज 63,000। दोनों तरफ पोस्टिंग, हाथों हाथ जाने दो बेटा। नेक्स्ट एंट्री है, हमने करण से सामान खरीदा था, अब हमने करण को माल वापस किया है। अगली एंट्री 15 तारीख को, करण अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। करण के डेबिट में टू परचेज रिटर्न, करण के डेबिट में टू परचेज रिटर्न 3,000। और परचेज रिटर्न के क्रेडिट में, परचेज रिटर्न के क्रेडिट में बाय करण 3,000। इसके बाद 15 तारीख की एंट्री खत्म। अब आ जाओ 22nd यानी कि 22 तारीख को एंट्री, यानी कि 22 तारीख की एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज के डेबिट में और कैश के क्रेडिट में, परचेज के डेबिट में टू कैश अकाउंट 2,000। और कैश के क्रेडिट में बाय परचेज 2,000। 22 तारीख की एंट्री खत्म। इसके बाद अगेन 22 तारीख की, कार्टेज पे की है हमने, कार्टेज टू कैश, कार्टेज के डेबिट में टू कैश, कार्टेज के डेबिट में टू कैश। और कैश के क्रेडिट में बाय कार्टेज ₹100। नेक्स्ट, इसके बाद आ जाओ इंटरेस्ट ऑन लोन, एक इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट बनाओ, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, इंटरेस्ट ऑन लोन के डेबिट में टू कैश 1,000। और कैश के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन एक नया क्वेश्चन करवाया है मैंने अब आपको। इसके बाद सब खातों को बंद करना स्टार्ट करो बाय बैलेंस सीडी। कैश को बंद किया हमने तो बैलेंस सीडी, इसे 1,00,000 में से ये खर्चे माइनस कर दिए, 76,900 बच गया, 76,900 हमने ब्रॉट डाउन कर दिया, कैरिड डाउन से ब्रॉट डाउन कर दिया। फिर बिल्डिंग अकाउंट को बंद किया बाय बैलेंस सीडी, फिर टू ब्रॉट डाउन 5,00,000 रुपए आ गया। फिर तीसरा अकाउंट हमने कैपिटल अकाउंट बंद किया, कैपिटल का टोटल किया, टू बैलेंस सीडी, सीडी से बीडी आ गया 6,00,000 रुपए। इसके बाद परचेज अकाउंट को बंद किया, परचेज अकाउंट क्रेडिट में आया बाय बैलेंस सीडी, अगली लाइन में टू बैलेंस बीडी कर दिया हमने। फिर उसके बाद इसी तरीके से स्मिथ अकाउंट को हमने क्लोज किया, स्मिथ अकाउंट को क्लोज किया, टू बैलेंस सीडी, सीडी को हमने ब्रॉट डाउन कर दिया 1,80,000। फिर हमने अनिल अकाउंट को क्लोज किया, अनिल अकाउंट का कैरिड डाउन इधर है, इसको ब्रॉट डाउन कर दिया हमने टू बैलेंस बीडी, हमारा 40,000। इसके बाद सेल्स अकाउंट को क्लोज किया हमने, सेल्स का टू बैलेंस सीडी से हमने ब्रॉट डाउन कर दिया 44,000। फिर हमने सेल्स रिटर्न को क्लोज किया, सेल रिटर्न को बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी 4,000 रुपए आ गए। फिर हमने करंट का खाता बंद किया, करंट का हमारा टू बैलेंस सीडी इधर आया है, टू बैलेंस सीडी को हमने ब्रॉट डाउन कर दिया, कैरिड डाउन को ब्रॉट डाउन कर दिया 60,000 करंट के अकाउंट में। फिर परचेज रिटर्न को बंद किया हमने, परचेज रिटर्न को टू बैलेंस सीडी, सीडी को हमने ब्रॉट डाउन कर दिया क्रेडिट में 3,000 रुपए। इसके बाद हमने कार्टेज खाता बंद किया, कार्टेज के अकाउंट को बाय बैलेंस सीडी, सीडी से अगली लाइन में ब्रॉट डाउन कर दिया, खाता बंद कर दिया टोटल करके। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन को टोटल कर दिया, बैलेंस कर दिया बाय बैलेंस सीडी, 1,01,000 रुपए डेबिट में आ गया। इसके बाद यहां तक कोई डाउट है तो स्टूडेंट मुझसे पूछ सकता है। इसके बाद हम इसकी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।